जय हिंद, राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, कल से मेरे पास कई जो एससी कम्युनिकेशन के जो लड़के थे जिन्होंने एससी कम्युनिकेशन की भर्ती देखी थी और उनका मेडिकल हो चुका है, तो उनके मेरे पास कल से फ़ोन आ रहे हैं कि सर, क्या एससी कम्युनिकेशन की जो भर्ती है उस पर कोर्ट केस हुआ है क्या? रोक लगी है क्या? तो मैंने इस बारे में पता किया, तो इसमें ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बात है वो सही है कि एसएसबी का जो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का जो वैकेंसी है उस पर कोर्ट केस हो गया है। अभी कोर्ट केस जो हुआ है वो किस कारण से हुआ है, इस पर एक तो बात करेंगे, और दूसरा इसका जो असर है वो क्या कांस्टेबल वेटनरी, कांस्टेबल ट्रेडमैन और कांस्टेबल ड्राइवरों की भर्ती पर भी इसका कोई असर पड़ेगा, या इनके जो होने वाले मेडिकल है इन पर कोई असर पड़ेगा? तो इस पर आज बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की वैकेंसी की। दोस्तों, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की जो वैकेंसी थी इसका मेडिकल क्लियर हो चुका था, मेडिकल पूरा हो चुका था, बस अब इसकी फाइनल मेरिट निकलनी बाकी थी। तो हुआ क्या है दोस्तों कि कुछ लड़के ऐसे थे जिनका मेडिकल हुआ, वो मेडिकल में भी उनका पॉइंट निकाल दिया और अनफिट हो गए। उसके बाद उनका आरएमई हुआ, रीमेडिकल हुआ, रीमेडिकल में भी वो अनफिट पाए गए बोर्ड की तरफ से। अच्छा, उन्हें अपने उस पॉइंट में डाउट था कि हम इसमें फिट हैं, लेकिन वो अनफिट उसमें घोषित किए गए हैं। तो इसी के लेके उन्होंने एक याचिका दायर की है कि हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट दिल्ली में ही याचिका दायर की है। तो एसएसबी को क्या है, अभी कारण बताओ नोटिस मिला हुआ है कि मतलब क्यों इन्हें अनफिट किया गया है और क्या कारण है। तो उसका एसएसबी जब जवाब दाखिल कर देगी तो उसके आधार पर अगर कोर्ट उसे स्वीकार कर लेगा जो भी जवाब दिया है, तो अगर कोर्ट मान्य कर लेगा कि सही है विद वैलिड प्रूफों के साथ में, जो उन्होंने अपने प्रूफ दिए हैं उनसे उन्हें मैच कराया जाएगा किस तरीके से, क्योंकि उन्होंने भी कहीं से अपना ये उस पॉइंट को फिट करा के कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है कि हमने वहाँ पर कराया तो हमारा फिट है और यहाँ एसएसबी ने हमें अनफिट करार दिया है। तो मतलब दोनों का ये है कि दोनों के वकीलों में बहस होगी उस दिन, और जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा उसके आधार पर वैकेंसी का आगे का कार्यक्रम किया जाएगा। या फिर वैकेंसी का ये भी किया जा सकता है कि जितनी वैकेंसियां हैं, जैसे अभी चार लड़कों ने कोर्ट केस में सुनने में आया, तो उनकी जो मेरिट जिस हिसाब से बन रही थी उस हिसाब से वैकेंसी छोड़कर औरों का भी रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। तो दोस्तों मतलब इसमें यह है कि आपका रिजल्ट जो है वो जल्दी भी निकल सकता है या फिर लेट भी हो सकता है, क्योंकि मामला अभी खटाई में पड़ गया है, क्योंकि कोर्ट केस होने के बाद में खटाई में मामला पड़ जाता है। अब वो जो कोर्ट का क्या आदेश होता है उस पर भी निर्भर करता है, और जो गाइडलाइन है एसएसबी की उन पर भी निर्भर करता है कि जो जितनी वैकेंसी हैं उतनी वैकेंसी पेंडिंग छोड़ के बाकियों का रिजल्ट निकाल दिया जाए। अब बात आती है कि जो कांस्टेबल वेटनरी, कांस्टेबल ट्रेडमैन और कांस्टेबल ड्राइवर हैं, इनके जो होने वाले मेडिकल हैं इन पर क्या असर पड़ेगा इसका? तो दोस्तों मैं एक बात साफ साफ बताना चाहता हूँ कि इनकी वैकेंसी पर ज़्यादा खास प्रभाव इससे नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका जो बोर्ड का जो मेडिकल का जो बोर्ड है वो ऑलरेडी बन चुका है और बस इनकी लिस्ट अभी निकलना बाकी है मेडिकल के लिए कि किन किन बच्चों का मेडिकल होना है। वो लिस्ट इनकी अब जल्द निकलने वाली है, यहाँ तक सुनने में आ रहा है 20 तारीख तक इनकी भी लिस्ट जो है वो निकल जाएगी और इनके मेडिकल होने स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये एक अलग मैटर है और वो कम्युनिकेशन वाला अलग मैटर है। तो इसका इस पर कोई प्रभाव खासा नहीं पड़ेगा, ये है थोड़ा अगर कोई काम होगा तो थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मेडिकल की जो है अपने अपने मेडिकल की तैयारी सही से करें, जिन जिनका मेडिकल होना है और उन्हें जिन जिनको लगता है कि हमारा 100% आ जाएगा इसमें, क्योंकि जिनके नंबर ज़्यादा हैं तो वो अपने मेडिकल के अपने जो पॉइंट्स हैं उन पर विशेष ध्यान दें,
और मेडिकल में क्या होता है दोस्तों कि कईयों का जो मेडिकल कराने का तरीका होता है वो अलग होता है, कई नौकरी में निकल जाते हैं, जैसे कि खड़े होने का जो तरीका होता है और बाएं को जो सीधे करने का तरीका होता है वो जानना दोस्तों मेडिकल में बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ का क्या होता है कि अपनी जो बाएं आगे को करके दिखाते हैं, बाएं का टेढ़ापन या सीधापन, तो उसी में ही उनका मामला गड़बड़ा जाता है। तो उसमें अगर आपको मेडिकल का जानना है कि मेडिकल कैसे होता है, तो मेडिकल का जो लिंक है मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कि कैसे मेडिकल होता है और क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, उससे आपको काफ़ी मतलब नॉलेज मिल जाएगी मेडिकल की। जो जो नए होंगे जिन्होंने पहली बार मेडिकल कराएंगे अपना किसी फोर्स में, तो उन्हें काफ़ी हद तक इससे जानकारी मिलेगी और पास होने के बहुत चांस हो जाएंगे उससे मेडिकल में। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, राम राम दोस्तों।